Hey guys, this is Sarfe and welcome to my YouTube channel. तो फिलहाल अभी हम लोग देखने वाले हैं क्लास टेंथ के एक चैप्टर है जो कि एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। इसमें लास्ट डे हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे वो दरअसल हाउ टू कैलकुलेट द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड्स एंड बेस। इसमें हम लोगों ने बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया था, उसमें कुछ लॉगरिथम के फॉर्मूले भी पढ़े थे और उसके तहत हम लोगों ने फाइंड किया था कि किसी भी एसिड का जब आप वाटर में डिजोल्व करोगे तो एच प्लस आयन देगा और उसमें एच प्लस आयन का कुछ कंसंट्रेशन दिया रहता है तो हम लोग पीएच वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसा कि आप सभी को याद होगा मैंने कैसे बनाया, आप उसको उसका मतलब लिंक आपको इस वीडियो के एंड में आपको मैं दे दूंगा, आप उसको आप देख सकते हो जो बच्चे ने नहीं देखा। बेस का भी हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन अक्सर बच्चे के मन में ख्याल आता है कि जब मैं बेस की बात करता हूं तो बेस के लिए जैसे एसिड के लिए होता है पीएच इक्वल माइनस लॉग एच प्लस आयन, सिमिलरली बच्चे कुछ सोचते होंगे कि पीएच इक्वल माइनस लॉग बेस के लिए हो जाएगा क्या माइनस लॉग ओ एच माइनस आयन, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें अरहेनियस साहब ने सिर्फ और सिर्फ सोरेनसन साहब ने सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला हमें बताया जो कि पीएच इक्वल माइनस लॉग एच प्लस आयन होता है। बेस के लिए ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ बेस के लिए जब हमें फाइंड करना होता है तो वहां पे हम एच प्लस आयन मालूम करते हैं, बेशक उसमें ओ एच माइनस आयन का कंसंट्रेशन आपके क्वेश्चन में देगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली आप अप्लाई कर दोगे माइनस लोग ओ एच माइनस आयन। तो वहां पे करना क्या होगा, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए एच प्लस आयन का वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद आप पीएच का स्केल पीएच का आप एक्सप्रेशन अप्लाई करते हुए आप आसानी से आराम से आप फाइंड कर सकते हो। उम्मीद है बातें समझ में आ रही है। हाँ, कुछ बच्चे एक और बात क्या कह रहे थे कि सर आप किसी भी एसिड को वाटर में डिजोल्व करते हो या बेस को वाटर में डिजोल्व करते हो तो सर कैसे आयन में डिसोसिएट हो जाता है, किसी पे टू प्लस कहते हैं, किसी पे प्लस वन, किसी पे माइनस टू, ऐसा सर कैसे हो जाता है? तो सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इतना जरूर ध्यान रखोगे कि जिस मेटल की वैलेंसी की बात होगी, जैसे MgOH होल ट्वाइस है, ठीक है, इसको जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो मेरे को आयन में डिसोसिएट होगा तो मेटल पे प्लस होगा OH पे माइनस होगा, तो Mg पर कितना चार्ज होगा यहां पर सोचिए जरा। जैसे मैं कह रहा हूं कि MgOH होल ट्वाइस है, इसको आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो तो क्या बनेगा, Mg पर कितना होगा और OH पे कितना होगा सोचना है। तो सिंपल सी बात मैं बताना चाहूंगा, यहां मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है, एटॉमिक नंबर 12 होता है, 282 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोशन में दो इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना दो होगा और चार से जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम होता है तो वैलेंसी भी उतना ही होता है, तो सिंपल सी बात है वैलेंसी कितना होगा प्लस टू, और जब हम ये प्लस टू दे दिए तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे टू माइनस होना चाहिए, तो सिंपल सी बात है आप यहां लिखोगे टू ओ एच माइनस, हो गया प्लस टू टू एच माइनस। बातें समझ में आई। एक और एग्जांपल देख लीजिए, एच टू एसओ फोर है, इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, आपको समझना है एसओ फोर की वैलेंसी कितनी होती है, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था आयंस के बारे में, एसओ फोर की वैलेंसी टू होती है, तो सिंपल सी बात है एच प्लस होगा यहाँ पे एसओ फोर होगा, तो यहाँ टू माइनस, तो यहाँ दो माइनस है तो जाहिर सी बात है यहाँ दो प्लस होगा, तो यहाँ दो दे दिए, क्लियर। तो कहने का मतलब यह है कि उस पर चार्ज होना चाहिए ओवरऑल जीरो होना चाहिए। चलिए अब हम अपने टॉपिक की ओर स्टार्ट करते हैं, इंडिकेटर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इंडिकेटर क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि किसी भी एसिड और बेस को जो एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में होता है तो उसके कलर को आइडेंटिफाई करता है, मतलब किसी एसिड को वाटर में डालो और उसके बाद जब उसको इंडिकेटर डालोगे तो पता चलेगा क्या उसका कलर चेंज हो जाएगा, बेस में डालो तो कलर चेंज हो जाएगा, तो इस सब्सटेंस को ऐसे सब्सटेंस को हम इंडिकेटर कहते हैं, और ये इंडिकेटर जनरली एसिड्स और बेस के कलर को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया। जैसे नहीं बात समझे हम क्या कहना चाह रहे हैं, मान लो कि कोई एसिड है या बेस दिया हुआ है, दो तरह का सॉल्यूशन हमारे पास और उसमें कुछ इंडिकेटर हम डालते हैं तो डालने के बाद क्या होता है उसका कलर चेंज हो जाता है, तो जो कलर चेंज हो जाता है ना डेट इज कॉल्ड इंडिकेटर। सिंपल सी बात है, इंडिकेटर का मतलब ये होता है डाई कलर, तो जिस इंडिकेटर को जिस सब्सटेंस को किसी एसिड या बेस में डिसॉल्व करने के बाद अपना कलर बताता है तो उस सब्सटेंस को हम इंडिकेटर कहते हैं। इसका डेफिनेशन ही देता हूं, इट इज अ सब्सटेंस, इट इज अ
सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर, विच चेंज देयर कलर इन एक्वस सॉल्यूशन. इट इज अ सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर इन एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस सॉल्यूशन में जो अपना कलर चेंज करता है दैट इज कॉल्ड व्हाट? इंडिकेटर. उसको हम इंडिकेटर कहते हैं, हमेशा याद रखिएगा. अब ये इंडिकेटर किसका कलर बताता है? एसिड और बेस का. तो इसको कहें क्या? दे आर ऑल्सो कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर. एसिड बेस इंडिकेटर क्यों कहते हैं एसिड बेस इंडिकेटर? क्योंकि एसिड और बेस के कलर को चेंज करता है, बताता है. दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एसिड बेस कनेक्टर. अब हमें समझना है कि इंडिकेटर कितने तरह का होता है. ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इंडिकेटर 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 की मैं बात करूं तो इंडिकेटर दो तरह का होता है. एक होता है नेचुरल इंडिकेटर और एक होता है सिंथेटिक. नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है और सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है, आइए इसको देखते हैं. तो नेचुरल इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर जो हमें नेचर से मिला हो, हमें नेचर से इंडिकेटर मिला हो, दैट इज कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर. यहां डैट शॉर्ट में लेता हूं, ऑप्टेंड फ्रॉम नेचर. कहां से मिलाओ? नेचर से मिलाओ. एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा, लिटमस पेपर. याद करिए, हमने बहुत तरह कहा था लिटमस पेपर जो होता है प्लांट से मिलता है और उस प्लांट का नाम क्या है? लाइकेन. LICHEN ब्रैकेट में कर देता हूं. कहां से मिलता है? लाइकेन. LICHEN लाइकेन. ठीक है, LICHEN. और इसी में एक और आ जाता है टर्मरिक. फिर ऑनियन भी आ जाएगा, कॉमा देख लेता हूं. ऑनियन, वैनिला, ये सब आ जाता है आपका नेचुरल इंडिकेटर में. सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है? जो मैनमेड होता है. तो क्या कहेंगे इसको? मैनमेड इंडिकेटर, जो इंसान के द्वारा बनाया गया है. और इंसान के द्वारा क्या बनाया गया है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मिथाइल ऑरेंज. फिर उसके बाद फिनोल्थ्रीन. ये दो तरह का इंडिकेटर जो आप देख पा रहे हो, इसको हम नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं या मैनमेड कहते हैं. और यहां पे नेचुरल इंडिकेटर मैंने लिखा लिटमस पेपर और टर्मरिक, ऑनियन, वैलेरा, बहुत सारा कैबेज वगैरह सब है. ये आपका नेचुरल इंडिकेटर में आ जाएगा, ये सिंथेटिक इंडिकेटर में आ जाएगा, मतलब मैनमेड होगा. ये दोनों, ये सारा का सारा इंडिकेटर जो होता है दैट यूज टू डिस्टिंग्विश द कलर ऑफ एसिड और बेस इन एक्वस सॉल्यूशन. ये सब का इस्तेमाल हम लोग किसी भी एसिड और बेस के कलर को आइडेंटिफाई करता है. कब? जब उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं. बातें समझ में आ रही? चलिए अब मैं आपको बताना चाहूंगा लिटमस पेपर के बारे में, कि ये लिटमस पेपर क्या होता है, कितने तरह का होता है और कैसे अपना कलर चेंज करता है. तो लिटमस पेपर मैं आपको बताना चाहूंगा दो तरीके का होता है. आपने सुना भी होगा ब्लू लिटमस और दूसरा होता है रेड लिटमस. अब ये ब्लू लिटमस क्या करता है, रेड लिटमस क्या होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा. मान लो कि एक बीकर है और एक दूसरा कंटेनर या दूसरा बीकर है यार. ठीक है, ये दोनों बीकर में मान लो कि कुछ केमिकल्स डाला हुआ है. ओके, केमिकल्स डाला हुआ है, इसमें भी केमिकल डाला. अब हमें नहीं मालूम है कि एक एसिड है कि बेस है. इतना जान लो कि दो हमारे पास बीकर है जिसमें कुछ केमिकल्स डाले हुए हैं. अब लिटमस पेपर कैसा होता है मैं बताना चाहूंगा. लिटमस पेपर एक पेपर की तरह था, कुछ इस शेप का होता है. ठीक है, तो अब क्या करना है, ये दोनों लिटमस को, लिटमस वन लिटमस टू, इस लिटमस को आप इसमें डालो. ठीक है, और इस लिटमस को आप इसमें डालो. तो
मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर अगर इस लिटमस का कलर ब्लू लिटमस है, ये ब्लू लिटमस है मान लो, और ये क्या है रेड लिटमस है, तो ब्लू लिटमस को हम इसमें अगर रख देते हैं इस सॉल्यूशन में, अगर ये कलर ब्लू लिटमस की बात, ब्लू लिटमस की बात कर रहा हूं, इसमें ये भी ब्लू रखे हुए हैं मान लो, और ये भी लिटमस क्या है ब्लू रखे हुए हैं, ठीक है, दो तरह का सॉल्यूशन है हमारे पास। अब ये नहीं मालूम है कि एसिड कौन है बेस कौन है, तो इसमें हम ब्लू लिटमस उड़ाले, इसमें भी ब्लू लिटमस उड़ाले, अगर मान लो कि ब्लू लिटमस का कलर यहां पे चेंज होके ये रेड अगर हो जाता है और इसमें कोई कलर चेंज नहीं होता है, नो चेंज, फिर से सुनिएगा मैं क्या कर रहा हूं, अगर इस लिटमस पेपर का कलर चेंज जाता है ब्लू से अगर रेड हो जाता है, तो आप समझ लेना कि ये सॉल्यूशन हमारा एसिडिक होगा, और इसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा, तो आप समझ लेना कि ये बेस होगा। बातें समझ में आई या नहीं, मैं क्या कहा, मैंने कहा कि हमारे पास इफ वी हैव टू बीकर्स एंड टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर केप्ट इन दैट बीकर्स एंड व्हेन टू व्हेन सिंगल व्हेन क्या बोलेंगे इसको व्हेन अ ब्लू टाइप ऑफ इंडिकेटर इज प्लेस्ड इन बोथ कंटेनर इफ वी ऑब्जर्व द ब्लू लिटमस पेपर चेंज देयर कलर देन इट मींस दैट सॉल्यूशन विल बी व्हाट एसिडिक। तो आपने देखा इसमें ब्लू लिटमस डाले, इसमें ब्लू लिटमस डाले, पता यह चला कि यह ब्लू से रेड हो गया और इसमें कोई कलर चेंज नहीं हुआ, मतलब यह कि ये लिटमस पेपर सॉरी ये हमारा सॉल्यूशन जो है वो एसिड है। बातें समझ में आई, चलिए सेम सिमिलरली हम अब क्या करने जा रहे हैं कि फिर हमने दो बीकर लिया, दो तरह का केमिकल्स डाले, अब उसके बाद क्या होता है कि इस रेड लिटमस को इसमें भी डाले और इसमें भी डाले, मतलब दोनों बीकर में डाले, डालने के बाद क्या होता है, अब आप नोटिस क्या करोगे कि जिसमें रेड लिटमस पेपर डालने के बाद ब्लू हो गया, तो आप समझ लो वो हमारा बेस है, माना क्या वो बेस है, रेड से ब्लू होगा समझ लो बेस है, ब्लू से रेड होगा समझ लो क्या है वो एसिड है। और तो कहने का मतलब क्या है, हमेशा याद रखिएगा कि ब्लू लिटमस पेपर एसिड में रेड कलर देता है, लेकिन बेस में कोई कलर चेंज नहीं होता, नो कलर चेंज। सिमिलरली रेड लिटमस पेपर बेस में ब्लू कलर देता है और एसिड में नो चेंज। मैं इसको बजाते हैं बॉक्स में लिख दूंगा, टेंशन ना लो। ये तो मैंने बताया लिटमस पेपर के बारे में, फिर आपने टर्मरिक भी देखा होगा, टर्मरिक मतलब हल्दी भी देख के भी या कहीं पर क्या किसी सॉल्यूशन में डालने के बाद क्या होता है उसका कलर चेंज हो जाता है, वो टर्मरिक है, ठीक है। अब ये तो लिटमस पेपर मैंने ये बताया, अब देख लेते हैं सिंथेटिक, ये सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में, जिसमें मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थ्रीन, ये किस कलर से किस कलर में चेंज करता है। फिर इसके बाद हम लोग यह भी देखेंगे कि पीएच वैल्यू आपको दिया होगा, तो उसके बाद ये पता लगाना है। एक और बात बता दूं मैं आपको, ये इंडिकेटर जो देख पा रहे हो ये दरअसल डिफरेंट पीएच पे ये कलर जो होता है डिफरेंट कलर शो करता है, मतलब यह कि इंडिकेटर जो होता है डिपेंड करता है पीएच वैल्यू पर, किसी का पीएच वैल्यू कुछ है तो कलर कुछ होगा, मतलब डिफरेंट पीएच वैल्यू होगा तो कलर चेंज होगा। तो वही मैं अभी हम लोग देखने वाले हैं, सबसे पहले फिनोल्फ्थ्रीन और मिथाइल ऑरेंज के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि अलग अलग अगर पीएच वैल्यू दे रखा है तो उस पीएच वैल्यू पे कौन सा कलर होगा। आइए बोर्ड को रब करते हैं फिर हम लोग देखेंगे। तो फाइनली आपके बोर्ड पे आपके सामने इंडिकेटर दे रखा है, एसिड सॉल्यूशन भी एंड बेसिक सॉल्यूशन भी है, साथ ही आपको मैंने एक वॉक के तहत समझाना चाहूंगा कि क्या से क्या होता है। गॉट माय एरर, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थ्रीन जो आप देख पा रहे हो ये दरअसल सिंथेटिक है, मैन मेड इंडिकेटर है। ये मिथाइल ऑरेंज एसिड सॉल्यूशन में रेड कलर देगा और बेसिक सॉल्यूशन में येलो कलर देगा। फिर से मैं बताना चाहूंगा, मिथाइल ऑरेंज को जब आप एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो वो रेड कलर देगा, और बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो वो मिथाइल ऑरेंज का कलर हो जाएगा क्या येलो हो जाएगा। फिनोल्फ्थ्रीन को फिर एसिड सॉल्यूशन में डालोगे तो वो कलरलेस, कोई चेंज नहीं करेगा फिनोल्फ्थ्रीन, लेकिन फिनोल्फ्थ्रीन को जब बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो फिनोल्फ्थ्रीन आपका पिंक कलर हो जाएगा। बातें क्लियर है?
नॉप्रिन एसिड में कलरलेस शो करेगा और बेस में पिंक शो करेगा। ब्लू लिटमस की मैं बात करूं तो ब्लू लिटमस एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर होगा जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा है, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में कोई कलर चेंज नहीं होता है। रेड लिटमस एसिड में नो चेंज, बेस में ब्लू। बहुत ही वीवीआई है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है, आपसे पूछेगा क्या कि बताओ मिथाइल ऑरेंज को एसिड में अगर डालते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या होता है, कलरलेस होता है या कोई और कलर होता है, ऐसा क्वेश्चन आपका रहेगा। इसलिए बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपके सामने लिखा है, इसको आप बखूबी अच्छे अंदाज में पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन रहता ही है। सारा का सारा टर्म जो देख पा रहे हो ये एनसीईआरटी है। इसके बाद फिर अब मैंने यहां पर जो देखा है ये भी बहुत बहुत वीवीआई है। अब इसमें क्या है कि अगर पीएच वैल्यू 0 से 3 रेंज का होगा, ये पूछता है क्या है कि किस पीएच वैल्यू पर क्या कलर होता है। तो पीएच 0 से 3 में क्या होता है, रेड होता है, याद रखिएगा। मतलब यह कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है, हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जनरली कलर जो होता है याद रखिएगा वो क्या होता है, रेड हो जाता है। पीएच वैल्यू में क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड का, रेड हो जाता है। 3 to 6 जो आप देख पा रहे हो ये 3 to 6 में ऑरेंज कलर होगा या येलो होगा। जब पीएच वैल्यू किसी भी एसिडिक किसी भी सॉल्यूशन का, मतलब सिंपल सी बात है एसिडिक ही होगा, तो उसका क्या होगा कलर 3 to 6 पे ऑरेंज या येलो होगा। जब पीएच वैल्यू 7 होगा तो क्या होगा, ग्रीन होगा। और हमेशा याद रखिएगा ये होता है न्यूट्रल का, न्यूट्रल जो सॉल्यूशन होता है उसका पीएच वैल्यू 7 होता है और कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। कभी कभी पूछ देता है क्या कि बताओ अगर किसी सॉल्यूशन का कलर ग्रीन है तो आप बताओ कि वो क्या है और इसका पीएच वैल्यू क्या है। सिंपल सी बात है न्यूट्रल है, पीएच वैल्यू क्या है तो 7 है। फिर पीएच वैल्यू 8 to 11 8 से 11 होगा तो उसका कलर क्या होगा, ब्लू होगा। बातें समझ में आ रही है, पीएच वैल्यू 8 से 11 होगा तो कलर उसका ब्लू हो जाएगा। फाइनली 11 से 14 जो आप देख पा रहे हो इसका कलर होता है वायलेट या पर्पल, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे NaOH ये सब कलर जो होता है वायलेट या पर्पल होता है। उम्मीद है बातें आपको समझ में आई, समझ में आए तो प्लीज दिस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। आज के इतना ही,